आज की इस पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर कार्यालय में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज की जो पत्रकार वार्ता भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश टीम द्वारा जो रखी गई है कि कल जो भारत सरकार की यूनियन कैबिनेट है उनके द्वारा एक फैसला लिया गया है, जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने उनको एक प्रपोजल भेजा था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 26 दिसंबर को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में ओएससी नामनक्लेचर को चेंज करके ओबीसी में चेंज किया था, उसी के अंतर्गत कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल जो भारत सरकार है, मोदी सरकार है, उन्होंने एक फैसला लिया है कि जो जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज है उनको आने वाले समय में पंचायतों में और म्यूनिसपैलिटीज में जो रिजर्वेशन बनती है वो उनको दे दी जाएगी। उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, पंचायतें हैं, म्यूनिसपैलिटी है, जम्मू कश्मीर में जितना भी इनका हक बनेगा इनको इनकी सीट रिजर्व करके इनको दे दी जाएगी। और इसके साथ साथ बीडीसी में डीडीसी जो 3 टायर सिस्टम सरकार ने लाए हुआ है, तीनों टायर सिस्टम में इनको इनका हक आने वाले समय में मिलने जा रहा है। इसके लिए मैं भारत सरकार का जम्मू कश्मीर पूरी भाजपा ओबीसी मोर्चा टीम और जम्मू कश्मीर ओबीसी समाज की तरफ से धन्यवाद करता हूं मोदी जी का, अमित शाह जी का और हमारी स्टेट लीडरशिप का, जिनके प्रयासों से ये जो 70 साल से एक परेशानी जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज झेल रहा था वो आज अब पूरी होने जा रही है। और इसके साथ साथ जो 70 साल के जख्म ओबीसी समाज ने झेले हैं दूसरी सरकारों द्वारा, जो पहली सरकारें थी यहाँ पर, चाहे कांग्रेस हो चाहे एनसी हो, जिन्होंने ओबीसी समाज को हमेशा दरकिनार किया, उनका हिस्सा खाया और उनको उनका हक तक नहीं दिया, ओबीसी तक नहीं बना के रखा, उनको अदर सोशल कास्ट बना के रखा, मतलब दूसरे समाज के लोग। आज मैं इस मंच से ये आह्वान करता हूं कि आने वाले समय में जो ओबीसी समाज है जम्मू कश्मीर का, इसका बदला लेगा इन सरकारों से और इनको बताएगा कि जो इनके हक इन्होंने खाए हैं आने वाले समय में इनको जवाब वोट के जरिए दिया जाएगा। और बड़ी जल्दी जब इलेक्शन होते हैं तो इसका पता इनको चल जाएगा, पांचों की पांचों सीटों में ओबीसी समाज मुख्य भूमिका निभाएगा और आने वाले समय में भाजपा को पांचों की पांचों सीटें मिलेंगी। और पुनः मैं अपनी भाजपा सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, मोदी सरकार का धन्यवाद करता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से, जिन्होंने ओबीसी समाज जो जम्मू कश्मीर का है, जो इतने सालों से अपने हकों से वंचित था, उनको ये हक देने जा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत अपनी टीम की तरफ से धन्यवाद करता हूं।